आप इन्हें प्यार करें या इनसे नफरत, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर। कहा जाता है कि हमारे देश के सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, जिन्होंने की एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बॉलीवुड में बहुत कांड भी किया है। जी हाँ, इनके ऊपर भी बॉलीवुड के गिने चुने परिवारों को मदद करने का आरोप लगता रहा है। कोई ने लड़का कहता है तो कोई ने आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया इन्हें क्या कहती है। खैर, इनका कई लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, तो कईयों के साथ 36 का आंकड़ा है। क्या है करण जौहर, क्यों इतने सफल होने के बाद भी कोई इनको वैल्यू नहीं देता, क्यों कोई इन्हें मर्द की तरह नहीं देखता? आखिर ज्यादातर आम आदमी इनके नाम को सुनकर ही मुस्कुराने लगते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं करण जौहर की लाइफ से जुड़ी सारी बातें। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, करण जौहर कब पैदा हुए थे, क्या इन्होंने पढ़ाई की है और किस किस फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया है, ये सारी बातें हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर करण जौहर के नाम से लोग क्यों चिढ़ जाते हैं, क्यों करण जौहर के नाम से बॉलीवुड के कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्या वाकई में ये बॉलीवुड के चुगलखोर हैं? ये जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, करण जौहर एक ऐसा नाम जहां उनकी गिनती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फिल्म मेकर्स में होती है। आमतौर पर फिल्म के डायरेक्टर्स को कभी स्क्रीन के सामने आने का, किसी बड़े स्टार की तरह मशहूर होने का कम ही मौका मिलता है, लेकिन करण ने तो जैसे सब बदल कर ही रख दिया हो। वो अपनी फिल्म के हीरो से ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, उनके स्टाइल फैशन सेंस को दुनिया फॉलो करने लगी है, साथ ही मीडिया के कैमरे जैसे हर वक्त उनके पीछे ही रहते हैं। अब जब करण इतने बड़े स्टार हैं, तो इनके साथ विवादों का रिश्ता होना भी तो तय ही है। वैसे तो करण अपने आप को विवादों से हमेशा दूरी रखते हैं, लेकिन इनके नाम ये बड़े विवाद हैं जो कभी भूले नहीं जा सकते हैं। करण जौहर के लाइफस्टाइल से परेशानी। दोस्तों, ये बात तो सबको पता ही है, ये करण जौहर दूसरों से अलग हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि ये खुद ही लड़के हैं और इन्हें लड़के ही पसंद आते हैं रिश्ता बनाने के लिए। इन्हें हैंडसम और बॉडी बिल्डर लड़के बहुत पसंद आते हैं, तभी तो कहा जाता है कि अपनी फिल्म के हीरो के साथ घंटों समय अकेले बिताते हैं। ये वजह है कि कई हीरो ने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। माना जाता है कि ये सीधे होने का एक्टिंग करते हैं, लेकिन ये हैं टेढ़े। जी हाँ, इन्हें ज्यादातर समय लड़कों के साथ ही बिताना पसंद है, और क्यों ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। ये बात आपको ही पता ही है, करण जौहर क्या चीज है। ट्वीट विवाद। करण जौहर के ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल हो रहा है। दरअसल, करण ने हाल में रिलीज हुई अक्षय कुमार की केसरी और शाहरुख खान की जीरो के कलेक्शन को लेकर एक ट्वीट को लाइक कर दिया। इसके बाद करण ट्रोलर से अपने आप को बचा नहीं पाए। करण पर ही आरोप भी लगा कि वो शाहरुख को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि करण ने ट्वीट कर बात संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता। ठीक उसी तरह करण का मामला हो गया है। हार्दिक पांड्या विवाद। पिछले दिनों टीवी शो कॉफी विद करण विवादों में छाया था। उसकी बड़ी वजह थी करण के शो पर आए क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी। महिलाओं के खिलाफ बोले जाने पर करण हार्दिक की बात पर हंस रहे थे। इस पूरे विवाद में करण को भी दोषी माना गया। इस विवादित एपिसोड को लेकर इतना बवाल हुआ कि पहली बार हॉटस्टार से हार्दिक पांड्या बवाल एपिसोड हटा दिया गया। नेपोटिज्म। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक थमा नहीं है। करण पर लगातार अपने जानने वाले लोगों को बॉलीवुड में लाने का इल्जाम लगता रहता है, लेकिन ये विवाद तब और बढ़ गया जब करण के शो में आई कंगना रनौत ने उनके ही शो में उन पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। इसके बाद इस विवाद ने खूब बवाल किया। करण काजोल विवाद। करण और काजोल के फैंस को धक्का तब लगा जब इन दोनों की 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई। दोस्ती टूटने की बात खुद करण ने अपनी बायोग्राफी में की थी। इन दोनों की दोस्ती टूटने की वजह अजय देवगन की फिल्म शिवाय और करण की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल थी, जो एक ही दिन रिलीज हुई। हालांकि बाद में इन दोनों के बीच सब ठीक हो गया। पाकिस्तानी एक्टर्स के सपोर्ट में आए थे करण। साल 2016 में हुए उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों का हिंदी फिल्मों में काम करना बैन कर दिया। उस दौरान करण की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल रिलीज होने वाली थी, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान काम कर रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि करण पर फवाद के सीन्स फिल्म से हटाए जाने की मांग होने लगी, लेकिन करण ने कलाकारों का समर्थन किया था, जिसके चलते करण के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई, उनका पुतला फूंका गया। मधुर भंडारकर और करण जौहर। करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस अपने कर्मचारियों के चलते फिर मुसीबत में था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी से मिलती जुलती कहानी पर फिल्म इंदू सरकार बनाने वाले निर्देशक मधुर भंडारकर को धर्मा प्रोडक्शंस की वेब सीरीज द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब्स के नाम पर आपत्ति है। ये मामला आज भी चल रहा है और लंबा खींचेगा। मधुर भंडारकर ने उन पर उनकी फिल्म बॉलीवुड वाइब्स का टाइटल हड़प कर इस रियलिटी शो में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अब फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस को भेजे गए सभी नोटिसों को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि जब मधुर भंडारकर ने शीर्षक बॉलीवुड वाइब्स पहले से ही पंजीकृत करवा रखा है, तो करण ने अपनी वेब सीरीज का शीर्षक द फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स क्यों रखा। मधुर भंडारकर ने यह शीर्षक प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में पंजीकृत करवाया है। इम्पा के गिल्ड को संपर्क करने पर उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि मधुर ने अपनी कंपनी के साथ बॉलीवुड वाइब्स शीर्षक पहले से ही पंजीकृत करवा रखा है।
करण जौहर और करीना कपूर। दोस्तों कहा जाता है करण जौहर और करीना कपूर मिलकर बॉलीवुड के दूसरे कलाकारों का मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, कई बार ये बात करण जौहर ने भी कही है कि करीना कपूर ने बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स की जानकारी देती हैं। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये दोनों ही कुछ बड़े एक्टर्स को छोड़कर सबका मजाक उड़ाते हैं। करीना कपूर के पास काम नहीं है, वो सैफ के साथ सेट है शादी करके। करण जौहर का अपना प्रोडक्शन हाउस है, ऐसे में दोनों के पास पर्याप्त समय है कि लोगों की बुराई करते रहें। ऐसा हम नहीं बल्कि देश की जनता का मानना है। कॉफी विद करण के शो में भी ये यही काम करते थे। जब करण जौहर बोले, क्यों लोग मुझे छक्का यज्ञ कहते हैं। करण जौहर कैमरे के पीछे से बेहतरीन काम करते हैं। बतौर फिल्म मेकर उनका कद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है। वो ऐसे मुकाम पर बैठे हैं जहां हर नया डायरेक्टर पहुंचने के सपने देखता है। लेकिन करण जब कैमरे के सामने आते हैं तो उनके हाव भाव को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ट्विटर पर लोग उन्हें गे और पता नहीं क्या क्या कहकर पुकारते हैं। इस दुख की टीस उन्होंने हाल ही में बयान की। करण जौहर ने एक वेबसाइट पर कॉलम लिखी, इस कॉलम का नाम है करण अफेयर्स। इसमें उन्होंने सेक्सुअलिटी पर लोगों के भद्दे कमेंट्स के बारे में अपनी टीस को बयान किया है। उन्होंने लिखा है, ऐसा क्यों है कि जब भी मैं इंस्टाग्राम पर पाउटिंग पिक्चर शेयर करता हूं तो लोग मुझे छक्का या गे कहते हैं। करण जौहर ने लिखा, मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े उन शुरुआती लोगों में से हूं जो ट्विटर पर सबसे पहले आए। तब मुझे लगा था कि मैं एक ऐसे संसार में कदम रखने जा रहा हूं जहां लोग मुझे पसंद करेंगे, मेरे बारे में जानेंगे, मेरे काम के बारे में जानेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ अपने विचार रखने शुरू किए और जो लोग मुझसे जुड़े उनकी भाषा मेरे प्रति काफी अपमानजनक होती है। सुबह उठते ही मुझे गे और कई भद्दे नामों से गुड मॉर्निंग कहा जाता है। लगातार मुझे छक्का कहा जाता है। उन्होंने आगे लिखा, मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों लोग मुझे लगातार भद्दे नामों से बुलाते हैं। मैंने इस बारे में अपने दोस्तों से पूछा, परिवार में बात की, यहाँ तक कि थेरेपिस्ट से भी संपर्क किया। मैंने उनसे पूछा कि जब भी मैं इंस्टाग्राम पर पाउटिंग पिक्चर शेयर करता हूँ तो लोग मुझे छक्का या गे कहते हैं। मैंने थेरेपिस्ट से पूछा कि आखिर मेरे साथ ही लोग इस तरह से बातें क्यों करते हैं। समझता हूँ कि मैं बॉडी बिल्डर टाइप नहीं हूँ, मैं जब डांस करता हूँ तो भूल जाता हूँ कि मेरे हाथ और पांव कहाँ जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, हो सकता है मैं आपके जितना ही दुखी, अकेला और उलझा हुआ हूँ, लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ कि मैं आपसे ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। करण जौहर के फिल्म इंडस्ट्री में काफी दोस्त हैं। इस कॉलम के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के सितारे ट्विटर पर उनका समर्थन कर रहे हैं। करण के पुराने दोस्त शाहरुख ने भी ट्वीट कर कहा, तुम्हारी संवेदनशीलता, मेहनत और टैलेंट साबित करता है कि तुम किसी भी मामले में दूसरों से आगे हो। दोस्तों हम जानते हैं इनके लाइफ के बारे में। जी हाँ, कौन है करण जौहर और कैसे इन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम बनाया है। करण जौहर का जन्म भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में 25 मई 1972 को हुआ था। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई से ही की है। स्कूल की शिक्षा उन्होंने ग्रीन लवांस हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में नामांकन कराया। उन्होंने फ्रेंच में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है। करण जौहर की बायोग्राफी की पुस्तक का नाम एन अनसुटेबल बॉय है, जिसको पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पुस्तक में उनके बचपन से लेकर निर्देशक बनने तक की सभी बातों का जिक्र है। करण जौहर का पारिवारिक जीवन। दोस्तों करण जौहर के पिता का नाम यश जौहर है, जो कि धर्मा प्रोडक्शंस के संस्थापक थे, और मां का नाम हीरू जौहर है। वो फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की छोटी बहन है। करण जौहर अपने माता पिता की इकलौती संतान है। फिल्मों में अभिनेता के तौर पर किए गए कार्य। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1989 में दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल इंद्रधनुष में काम करके किया था। इस सीरियल में उन्होंने श्रीकांत नाम के किरदार की भूमिका निभाई थी। फिर 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने अभिनेता शाहरुख के दोस्त की भूमिका निभाई थी। साथ ही इस फिल्म के लिए उन्होंने सहायक निर्देशक का भी काम किया था। फिर ये 2007 में फिल्म ओम शांति ओम में, 2008 में फिल्म फैशन और 2009 में फिल्म लक बाई चांस में कैमियो के रूप में दिखे। उसके बाद 2015 में उनके द्वारा पूर्ण रूप से अभिनीत फिल्म बॉम्बे वेलवेट आई, जिसमें अनुष्का शर्मा और रणवीर कपूर भी थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन करण जौहर द्वारा किए गए अभिनय की सबने प्रशंसा की। उनके अभिनय की तारीफ करते हुए फिल्म आलोचक सरिता ए. तनवर ने कहा कि फिल्म में करण जौहर ने अपने किरदार को बहुत सम्माननीय तरीके से निभाया है, जो कि पूरी तरह से प्रशंसा करने के लायक है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल अभिनेता नहीं है, ये उनका क्षेत्र नहीं है, फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया है। टेलीविजन पर किए गए कार्य। करण जौहर एक ऐसे सेलिब्रिटीज आधारित टॉक शो की मेजबानी करते हैं जिसमें भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग से जुड़े हस्तियों को बुलाकर उनका साक्षात्कार किया जाता है, जिनमें से पहला सीजन 2004 से 2005 तक प्रसारित किया गया था, दूसरा सीजन 2007 में तथा तीसरे सीजन का प्रसारण 2010 से 2011 तक हुआ था, चौथा सीजन 2013 से 2014 तक और पांचवा सीजन 6 नवंबर 2016 में प्रसारित किया गया। इसके अलावा उन्होंने 2012 में माधुरी दीक्षित और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के साथ झलक दिखला जा नामक शो को जज किया था। इसके बाद उन्होंने एक और शो में भी जज के रूप में काम किया, जिसका नाम था इंडिया गॉट टैलेंट। इस शो में उनके साथ मलाइका अरोड़ा खान, फराह खान और किरण खेर ने भी जज के रूप में अपना योगदान दिया था। कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में किए गए कार्य। करण जौहर ने शाहरुख खान के लिए बहुत से फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम भी किया है। जिस फिल्म में शाहरुख खान उनके द्वारा डिजाइन किए हुए वस्त्र पहने हैं, उन फिल्मों के नाम हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, मैं हूं ना, वीर जारा और ओम शांति ओम। दोस्तों बिना मेहनत के किसी को सफलता नहीं मिलती है।
करण जौहर को ही पता है कि जब तक अच्छा काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन विवादों के साथ इनका गहरा नाता है। कुछ दिनों पहले इनके घर पर पार्टी हुई थी। जी हाँ, उस पार्टी में बॉलीवुड के कई ऐसे लोग थे जो कि नशे में पड़े हुए थे, लेकिन ये तो करण का स्टाइल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।